पश्चिम विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम नागरिकों के साथ, गरीबों के साथ सड़क पर उतरा हुआ है और आज क्षेत्रीय विधायक का घेराव करने के लिए उनके सरकारी आवास में पहुंच रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए, गरीबों को छत पक्का मकान बनाने के लिए केंद्र से पैसा दिया, पर उन पैसों को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार केवल राहुल गांधी के लिए खर्चा कर रहे हैं, सोनिया गांधी के लिए खर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए खर्चा कर रहे हैं। और जिन गरीबों को पक्का छत मिलना चाहिए वो छत नहीं मिल रहा है, और इसलिए आज पश्चिम विधानसभा के जो गरीब जनहितैषी हैं वो सारे लोग आज यहाँ पे एकत्रित होकर के क्षेत्रीय विधायक का घेराव करने के लिए जा रहे हैं और उनको चेतावनी देने जा रहे हैं कि आप हमारा पक्का मकान के पैसा जो केंद्र सरकार से आया है वो पैसा उन गरीबों को दे, ताकि उनका पक्का आवाज बन जाए, उनके सपना पूरा हो जाए। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज पूरा जन सैलाब, आम जन साथ में लेकर के क्षेत्र विधायक का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास निर्माण के तहत गरीबों को ढाई लाख रुपए की मदद दी जा रही थी, जिससे लोग अपना आवास बना सके। लेकिन यह प्रदेश की जो सरकार है, केंद्र सरकार के आए हुए पैसे का दुरुपयोग की है और इसके बाद में यहाँ पर किसी प्रकार के आवास का निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ गरीबों में बहुत ही नाराजगी है। इसी विषय को लेके आज हम पश्चिम विधानसभा के सभी कार्यकर्ता जो विधायक का निवास है उसे घेरने के लिए आए हुए हैं, ताकि विधायक को यह मालूम चले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गरीबों के साथ में खड़े हुए हैं और उनके न्याय की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिक्रमण चल रहा है, आज जो अतिक्रमण कर रहे हैं वहां पर बन के बैठे हैं, जो पानी लूट रहे हैं विधायक बन के बैठे हैं, ऐसे लोगों को जगाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में कर रहा है। आज रायपुर विधानसभा में जो कार्यक्रम कर रहा है, निश्चित तौर पर यहाँ की जनता, यहाँ की जो गरीब जनता है, आज इतने संख्या में माता बहने आई है, ये दिखाने लिए पर्याप्त है कि जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोला, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी सभी गरीब के छत पे आवास होना चाहिए, घर सामने पानी होना चाहिए, बिजली भी मिलना चाहिए, कांग्रेस की सरकार ने बिजली भी तो ले लिया, बिजली भी चोरी कर लिया, नल से पानी चोरी कर लिया, घर से छत छीन लिया। आज देखिए रायपुर में बड़े बड़े आप कांग्रेस बना रहे हैं, बड़े बड़े होल्डर बना रहे हैं, रायपुर में एक शहर बसा रहे हैं, लेकिन गरीब को देने के लिए कांग्रेस का पैसा नहीं है। उनके पॉमलेट पोस्टर, बड़े बड़े मंडप छत बनाने के लिए, उनके मंडप बनाने के लिए वहाँ पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी बुलाने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन गरीब को देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे कांग्रेस सरकार को, जो कमीशन पर टिकी सरकार है, जो गरीब खून चूसने वाली सरकार है, ये भूपेश सरकार हटाने के लिए संकिस्त होकर हम सब लोग आज विधायक निवास की ओर जाएंगे। निश्चित तौर पर आज जो यहाँ जुर्म उठा हुआ है, आप गरीबों को जो आवाज है, आप गरीब को जो दर्द है, ये दर्द है कांग्रेस को 2023 में सत्ता से बाहर करके रहेगा, ऐसा आह्वान करते हुए मैं अपनी आवाज को भी विनम्रता हूँ। धन्यवाद। जुलूस के रूप में निकलेंगे, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आगे जाना है और भी बढ़ना है, सत्यम दुबा जी, जयंती भाई पटेल और साथ राजेश मुड़ा जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, सभी रैली के रूप में, बड़ी रैली के रूप में जा रहे हैं। विधायक के सभी बड़ी पदाधिकारी इस रैली में शामिल है। बीजेपी की हर प्रकोष्ठ, चाहे वो मंडल के कार्यकर्ता हो, छोटे से छोटे कार्यकर्ता आज विधायक को घेरने जा रहे हैं। भारी से पूरी भीड़ है।